वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हमने लिया था एक दिन का ब्रेक, पर आप लोग को ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग आगे चल रहे थे, क्योंकि हमारा एक ही टाइम का दो दो व्लॉग बन चुका था इस वजह से। और सुबह हमारी काफ़ी जल्दी हो चुकी थी और मैं अभी मस्त कैफे में को दिए थे गर्म पानी। पहले गए कल समदानी को स्कूल में छोड़े, फिर आए मेरे को दिए मस्त गर्म पानी और गर्म पानी पी मेरे को अभी थोड़ा ब्रेक लेने बोले, और अभी मेरे लिए बना रहे हैं और उनके लिए बना रहे हैं कॉफ़ी। तो अभी कॉफ़ी भी बनेगी। तो आज का व्लॉग काफ़ी एक्साइटेड होने हो क्या एक्स क्या होने वाला है एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आज मैं उड़ाने वाली हूँ कुछ चू लोगों की धजिया, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे को गाली नहीं देना है मेरे चैनल पे, मुझे हर चीज़ समझ के चलना है, मुझे हर चीज़ क्लियर रख के चलना है। बट कुछ लोगों को ना रास नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो मुझे पता नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है होगे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं के बिलोंग हम दोनों में से किसी के खानदान में से या फिर कहीं बाहर में से कौन है पता नहीं, कौन आके यहाँ पर उंगली कर रहा है वो भी पता नहीं। तो फेक आईडी से आके कभी शिरिन बचती नहीं है। तो ये सब चीज़ों का मैं जवाब मैंने भी दिया, तुमने दिया है रिप्लाई, तो वो मैंने नहीं देखा था कमेंट्स, मैंने एक्चुअल में कमेंट्स नहीं चेक किए थे पिछले ब्लॉग के। तो मैं अचानक से लेट नाइट मैं फ़ोन लेके बैठी थी तो मैंने सब कमेंट्स स्क्रॉल कर ली थी, तो कमेंट्स में मैंने पढ़ी भाई क्या क्या लिखा था। मैं हर एक कमेंट्स का अभी नहीं, पहले नाश्ता कर लूँ मैं, मेरे लिए लेके आए कि इडली, तो बोले कि नाश्ता कर ले, उसके बाद में मैं हर एक का चिट्ठा तो खोलूंगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी कि यार आप लोग ऐसा मत कमेंट, नहीं वो वाला नहीं थी, मैंने कल के ब्लॉग का ब्लॉग कर लिया साइड ब्लॉगर, फिर भी तुमसे आगे अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग को मैं इंशाल्लाह अभी नहीं, थोड़े टाइम से नाश्ता से करके फ्री होके फारिग होके आप लोगों को एक एक चीज़ें बताऊंगी, एक एक कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लूंगी, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ आई मीन डालूंगी यहाँ पर, आप लोग भी वो कमेंट पढ़ना और आप लोग भी बताना कि वो चीज़ गलत बोली गई है या नहीं बोली गई है, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा घर साफ वाफ करके गया, जुमेरात भी है तो घर साफ वाफ करने के बाद, उसके बाद मैं नहा वहा के मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मेरे पता नहीं गर्दन में अचानक से एक चमक आ गई और इतना दर्द दे रहा था, इतना दर्द दे रहा था। अब जाके मैं चेंज वेंज करी जिम के लिए, तो मैंने कैप को बोला कि चेंज करने के बाद ना मेरे पीठ को थोड़ा तोड़ देना क्योंकि मैं थोड़ा बॉडी फ्री हो जाएगा। तो अलहमदिल्ला आज मेरा चौथा दिन है, जिम का। सो मैं बिचार रही हूँ, मैंने पहना है ये वाला पिंकी पिंकी पॉन्की, सो ये पैंट मैंने ली थी वो भैया से चेंज करा के, और ये टी शर्ट तो मैंने बैंड्रा से लिया था। तो अभी हम चले हैं बच्चे को मेरे ब्लॉग में देखते हुए और हम निकल चुके हैं जिम के लिए। तो मैं आके आप लोगों से बैठ के एहतराम से बात करूँगी कि क्या मुझे बोलना था क्या नहीं बोलना था। तो पहले मैं जिम जाती हूँ, फटाफट वर्कआउट करती हूँ, वहाँ से आके आप लोग से मिलके बात करती हूँ। मेरा हो चुका है वर्कआउट और अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मैं आई हूँ R15 पे, क्योंकि समदानी के लिए बर्गमैन लगती है इस वजह से मुझे R15 पे आना जाना पड़ता है। तो चलो आप लोग से घर पर जाके मिलती हूँ, मैं मज़ा आ गया। बाइक लगा दी पार्किंग में और समदानी के लिए मैंने कुछ ऑन द वे आते आते दुकान से कुछ जेली ली थी तो वो देना था, पर समदानी नहीं है, जैनब का खिड़की विड़की खुला है, जैनब आवाज़ दे के बोली कि नहीं वो मम्मी के यहाँ गया ऊपर, तो मैं बाद में आके दे दूँगी इसको वो जेली। तो अभी मैं घर पर लेके जा रही हूँ, तो मैं वॉक करते करते अभी घर पर जाऊँगी, फिर थक गई हूँ यार मैं। तो अभी अब्बा भी नीचे बैठे हुए हैं तो अब्बा का थोड़ा एक दो वीडियो का कुछ है तो वो देख के चलो मैं चली आऊँगी घर पर। तो मिलती हूँ आप लोग से घर पर जाकर। तो गाइस ये देखो ये अभी थोड़ा टाइम हुआ इसको जिम से आके और लेके आई है शेरिन के समदानी के लिए ये जेली। इसको अभी वीडियो कॉल पे इसने दिखाई तो इतना पागल हो रहा है, बोलता अभी के अभी दे मेरे को, बोलता मोबाइल में से था, मोबाइल में से कहां से दूं इसको, कट कर दिया। चलो अभी निकलेंगे हम लोग तभी उसको दे देंगे वो, है ना। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी टाइम में। तभी हम लोग बैठे थे
और ना मैंने कैफ को बोली कि कैफ वहाँ पर कुछ तो है हिल रहा है, तो कैफ बोले क्या है, मैंने बोली मेरे को लग रहा है चूहा है, और 101% चूहा ही निकला वहाँ पर। सोचो नौ माने भी चूहा है। क्या क्या मेरी चप्पल तो नहीं तोड़ दिया, चप्पल काट दे रहेगा, अरे नया शूज है वो इतना महंगा। ये क्या हो रहा है मेरे घर में, क्या क्या आ रहा है, इतनी मुशक्कत में बोलेंगे किसी को तो लोग यकीन नहीं मानेंगे। हाँ यकीन कोई भी नहीं मानेगा कि नौ माले पे चूहा आया, और लिटरली इतनी मुशक्कत के बाद चूहा भागा। मेरे को ना एक्चुअल में क्या हुआ मालूम है कि यहाँ पर बास्केट हमारी जो चप्पल की ये वाली ग्रीन वाली ना रखी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले मैंने ना वहाँ पर उधर पॉटी देखी बहुत सारी, किधर किचन के बालकनी में, तो मेरे को ना समझ नहीं है कि चूहे की काई की, क्योंकि मैंने कभी चूहे की पॉटी इतनी देखी नहीं। तो चूहे की लेंडी खाई हूँ मैं, मतलब जो बचपन में मिलती थी ना, खट्टी मिट्टी बोलते थे, चूहे की लेंडी बोलते थे, और पता नहीं क्या बोलते थे, तो मैंने वैसी टाइप की देखी, पर ये वैसी टाइप की नहीं थी, बहुत अलग थी, थोड़ी सी पतली और एकदम ऐसे शेप में थी। तो मैंने बोला कि कैफ देखो ये पॉटी, तो कैफ ने मेरे को बताया कि चूहे का है ना जान, कैफ ने मेरे को बताया ये चूहे का, मैंने बोला हो ही नहीं सकता नॉर्मल है, चूहा कहाँ से आएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जब देखे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि सामान मैंने कैफ को क्या बोली झाड़ू मार के लो, तभी तुमने मारे थे ना उसके कुछ टाइम बाद, झाड़ू वाड़ू मार के बालकनी क्लीन करके लो, तो कैफ ने पूरा क्लीन किया था, तभी कुछ नहीं था। और अभी मैं एक सेकेंड ना, अभी तुम दिखोगे ऐसे यहाँ पर ना, मैं कॉर्नर पे लेटी हुई थी इधर, हाँ इधर ये कॉर्नर पे लेटी हुई थी, तो अचानक से ना मुझे कट कुट वाली आवाज़ आई, तो मैंने ली कैफ चूहा है, तो कैफ बोलते हट 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 रुक देखता हूँ, गए बालकनी में थोड़ा बास्केट सरका है, तो बास्केट के अंदर भागा ना, बास्केट के पीछे गया, फिर पीछे जाने का कैफ बोले चूहा ही चूहा, मैंने घुस के बास्केट के होल में से अंदर घुस के जूते के अंदर लेके, और मुझे क्या लगा मैंने, मैं कि नहीं चलो कबूतर रहेगा यार शायद, क्योंकि दोपहर को बहुत सारे कबूतर आए थे ना, मुझे लगा कबूतर होगा, मैं बोली नहीं कि कबूतर होगा अंडा दिया रहेगा, क्या बोले नहीं ये चूहा ही, क्योंकि मैंने देखा, तुमने देखे थे ना, तो क्या बोले मैंने देखा, तो मैंने बोला चलो देखते। फिर उसके बाद में बास्केट पलटी करे निकल रहा नहीं है, जूते पटक रहे निकल रहा नहीं है, वहाँ पर सब आधा सामान किचन की बालकनी में फेंक दे तो भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बोले चलो भाग गया भाग गया। हाँ तू भी तो इतना डर रही थी कि तेरा हाथ में दे भी नहीं सकता ना, मैं मेरे को तो घर में नहीं थी, घर के बाहर थी, मैं घर के बाहर चली गई थी, तो उतने में आंटी सामने लाए, आंटी लोग और उनकी बहू आ गए थे देखने के लिए, भाई मेरे तो मर्द में तो कैब, और ना उतने में ना क्या टॉम एंड जेरी वाला सीन हुआ गाइस, पता है मैं लिटरली शूट करना था फोटो, शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो ना जैसे ना कैब में मेरे गर्म पानी ला मैं गर्म पानी दी कैब ने, गर्म पानी अगर उसके हाथ पे फेंके हुए ना तो वो चले जाते, गर्म पानी जब डाले तो वो ऐसा उछल के और कैफ और मैं यहाँ पर नाच रही हूँ, और मेरे पैर पे चढ़ गया वो, ओके पैर पे चढ़ गया, बाप रे बाप क्या ही सीन हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, लिटरली बहुत मजा आ गया। अब चूहा भाग चुका है फाइनली, बट मेरे को डर है कि क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन अभी बाहर है, मेरे कपड़े का बास्केट भी बाहर रहता है अभी, और मेरे इतने महंगे महंगे जूते उसमें वो भी बाहर है, नहीं तो कुछ तो नुकसान नहीं किया, पर उसने क्या ये बास्केट हटा के अपने को कैबिनेट बनाना पड़ेगा, नहीं जरूरत है, केक एक दो बार रख देंगे तो नहीं आते, रख देना रहा क्या यहाँ जान, पर उसने नुकसान नहीं किया, नुकसान नहीं किया, पर उसने एक भी जूता कतरा वाली, तो जब कतरावानी है तो उसको भगाने क्यों बोली मैं, तो पर मैं एक बात बोली क्योंकि क्यों होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो तो वही बोलना था। और हाँ गाइस अभी आपको आगे की स्टोरी आपको आगे देखने मिलेगी, ये मतलब जो मेन मुद्दा है आज का हमारे व्लॉग का वो आपको आगे देखने मिलेगा। अभी आप पीछे देख रहे हो मेरी स्ट्रक्चरी साथ, और मैं एक अजीब सी लिफ्ट में हूँ, अजीब सा नहीं हॉस्पिटल में आई हूँ कुछ काम से, तो पहले काम करके फिर फारी को कैब से मिलते हैं। तर मित्रांनो आता हम लोग आ चुके हैं घर पे, और मैडम रेडी हो रही है इंटरव्यू देने के लिए। चीन यहाँ पे गंदा क्यों दिख रहा है ये दीवार पे पीछे मेरे को, ये ना छुआ मारने में हाथ तो नहीं लगा ये, हाँ क्या मान, चलो तो ठीक है गाइस हम लोग घर पर आ चुके हैं, सो मैं हॉस्पिटल गई थी काम से, तो बता नहीं सकती अभी, बाद में इंशाल्लाह आप लोगों का भी बताऊंगी, नहीं दिमाग में ख्याली पुलाव नहीं बना ना, प्रेग्नेंट नहीं है शेर। तो सबसे पहला कमेंट है मुझे आया है फरजाना पीर
पीरजादी से, पीरजादी समथिंग कुछ ऐसी है, मेरे को पता नहीं। तो मेरी थोड़ी नज़र कमज़ोर हो चुकी गाइस, क्योंकि मैं ये भी बता दी मेरे को ब्लर दिख रहा है, मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है मेरे को, ये पूरा सर मेरा पता नहीं क्या हो चुका है। तो मैं भी आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। इसका कमेंट है कचरा चुनने वाली शिरिन। तो मैंने उस पर रिप्लाई दिया है, अरे वाह थैंक यू, एटलीस्ट मैं अच्छा काम कर रही हूँ, क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई। क्योंकि मेरी ये सोच है कि भाई अगर मैं कचरा भी चुन रही हूँ तो मैं अच्छी चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं गंदगी कम कर रही हूँ। और कचरा चुनने वाले लोग हैं ना, अपनों से ना लाख गुना अच्छे रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो गंदगी हटाते हैं कि हमारे बच्चों को बीमारी ना लगे, हमको बीमारी ना लगे, हम लोग तंदुरुस्त रहे, अच्छे से रहे, ठीक है। तो किसी को ये नहीं बोलना, किसी की चीज़ों के किसी के काम से कभी जज नहीं करना चाहिए कि क्या है कचरा चुनने वाली है ये, फिलहाल कचरा डालने वाला कौन है वो समझ में आ गया। यस, सो ये आप हो जो कचरा मेरे चैनल पे आकर डाल रहे हो, तो प्लीज मत डालो, मुझे आप लोग जैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे को देखोगे भी नहीं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ चाहने वाले अगर मेरे को 10 लोग भी देखे ना, अगर बोलते ना मेरे अभी अपने कितने 24 में से भी अगर मेरे को 10 लोग भी देखेंगे ना चाहने वाले, तो भी मेरे लिए बहुत है। कि ये नहीं सोचूंगी मैं कि अरे यार क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा नहीं हो गया, पर बुरा ये चीज़ का लगता है कि आप लोग की सोच, जो कुछ लोग है उनके बारे में बात कर रही हूँ, कुछ सोच इतनी गंदी है, इतनी गंदी है। और आप लोग, अब मैं आगे का भी कमेंट पढ़ती हूँ, भंगन लग रही है कचरा चुनने वाली, उसी का कमेंट है, नहीं एक फेक आईडिया है उसका कुछ कमेंट ना। तो गाइस जो भी कमेंट्स हो रहे हैं ना यहाँ पे, आप लोगों को तो कमेंट्स दिख रहे होंगे ऑलरेडी, तो कचरा चुनने वाली ये दूसरी आईडी से आया है, और ये एक और कचरा चुनने वाली भी दूसरी आईडी से आया, मतलब टोटल तीन जन ने, दो जन ने कमेंट करे, पर सिमिलर कमेंट करे कचरा चुनने वाले, ठीक है। तो मुझे बोले भंगन लग रही है, तो पहली बात किसी की जात के ऊपर, किसी की बोलते ना उसके ऊपर, किसी की कास्ट और किसी की चीजों के ऊपर नहीं बोला जा सकता, बैड कमेंट आप लोग कर ही नहीं सकते। आप लोग कैसे किसी को कुछ भी, मतलब कितनी घटिया सोच है कि यार किसी की रिलीजन के ऊपर से, किसी की चीजों के ऊपर से आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। इतना तो सोचिए यार, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके दम है ना पीछे, तो सामने आके बोलो। मैं ये चाहती हूँ कि सामने आके बोला जाए, तो मसला है सामने कोई नहीं आता है ना, सबको खाली कमेंट सेक्शन में बच-बच करना रहता है। क्या मैं बोलूं, मैं बस ये चाहती हूँ कि भाई सामने आके बोलो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग को जो भी चीज है। और रही बात सबसे पहली बात, तो ये तो जो कैफ को बोला जा रहा है, क्या है तू साइड ब्लॉगर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइड ब्लॉगर नहीं है, हमारे चैनल का नाम ही कैफ शिरिन ब्लॉग्स, ठीक है। तो कैफ शिरिन ब्लॉग्स इसलिए क्योंकि हम दोनों वीडियो बनाते हैं, तो वो साइड ब्लॉगर नहीं है पहली बात तो वो। फिर उसके बाद में ड्राइवर, तो वो ड्राइवर भी नहीं है, वो उसकी प्यार मोहब्बत, आज वो मेरी मोहब्बत के लिए वो यहाँ पर है, मेरे घर वालों को देख रहा है, मुझे देख रहा है, मेरी घर मेरी जो चीज़ें हैं वो कर रहा है सिर्फ मेरी मोहब्बत के लिए, ठीक है। उसके दिल में भी आज मेरे मेरे फैमिली के लिए प्यार है, मोहब्बत है, इस वजह से आज वो मेरे साथ है। तो आप लोग प्लीज़ उसको उस तरीके से भी जज, किसी को जज करना, अरे यार तुम लोग खुद के इसमें झांक के देते, शायद आप लोग कोई होगे नहीं तो आप लोग कुछ कर नहीं पाते होगे, तो आपके ना उधर चलन होती रहेगी, तो इस वजह से आप मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे फैमिली को लेके कमेंट्स करते हो आके यहाँ पर, ठीक है। तो उतने में भी ना एक लड़की ने आके ना कमेंट करी है, वो रिप्लाई दी है, जबान आपकी कचरा लग रही है करके एक जन, वो जिसने मुझे ऐसा लिखा, ठीक है। पैसा नहीं है बॉस ने ये टाइम पैसे नहीं दिए दोनों भिखारियों को, कंफर्ट भी नल्ला, डिटर्जेंट भी नल्ला। तो इतना मेरी ना उसमें हिम्मत है कि मैं चाहूँ ना मैं कंफर्ट भी ला सकती हूँ, मैं डिटर्जेंट भी ओरिजिनल ला सकती हूँ, क्योंकि जब मैं पैसे ना ऐसे फालतू में उड़ाती हूँ ना, तो मैं उतना उड़ाने के लिए भी ना मुझे घंटा ही फर्क पड़ता है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए नहीं लिया, ये चीज़ भी मैंने वहाँ पर क्लियर कट की है, क्योंकि जो कंफर्ट मैंने लूज में लिया है, जो ओरिजिनल कंफर्ट की बॉटल होती है, जब वो फूट जाती है या कुछ हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक स्टोर करते हैं, वहाँ पर जो अंकल है वो एक कंटेनर्स में स्टोर करते हैं, तो वो उस हिसाब से मुझे ज्यादा बल्क में मिला, मुझे छोटी छोटी बॉटल लेने से अच्छा, अरे रफा दफा हमको नहीं शौक है भाई ब्रांडेड चीजें यूज करने का, उसमें मिला, तो मैं वो फायदा देखूंगी, कि मैं ये देखूंगी अरे अगर मैं पैसे खर्च भी करूँ ना या मैं ना भी करूँ, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। और मैं किसी के पैसे पे कभी नहीं उड़ी मारी, ठीक है, चाहे वो मेरे हक का क्यों ना हो, तो भी मैंने कभी उड़ी नहीं मारा। मैंने आज तक मेरी माँ से भी ये, मैं अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं आज भी मेरी माँ के पास जाके, मेरे बाप के पास जाके आप लोग से ये क्लियर करवा सकती हूँ कि मैंने कभी मेरे माँ बाप के सामने ये नहीं बोला कि भाई मेरा हक मुझे दो, मेरी चीज़ मुझे दो,
मैंने आज तक नहीं बोला, मैंने हमेशा बोली ठीक है जब जो चीज़ मेरी नसीब में होगा। मैंने अभी तक कैफ को ये बोलता है और सबको मैं ये बोलती, मैं बोलती मेरी नसीब का जो होगा वो मैं खाऊंगी और वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसा सोच रहे सोचो, भिखारी है तो ठीक है, भिखारी भी बहुत बहुत बड़ी बात है यार। हम लोग भिखारी, हमको बहुत खुशी है वो चीज़ की। भिखारी तो हम लोग के पास कितना पैसा होगा ना शिरीन? यस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यार मेरे बंगले खड़े हैं गाँव में, है ना। अभी असलियत तो आप लोगों को पता नहीं, दिखता बाहर से झोपड़ा अंदर से रहता उन लोग का महल है। जितनी चीज़ें अपने घर में नहीं होती ना, उससे डबल चीज़ें उन लोग के घर पे होती है, ठीक है। माँ के पैसे बचाने बचे नहीं खाएंगे तो क्या, सॉरी, माँ के पैसा बच्चे नहीं खाएंगे तो क्या वो मतलब ही, एक जन का नाम लिया गया है, खाएगी आपके माँ नहीं देती है पैसे इसलिए आप जल रहे हो। एक जन का नाम लिया गया, तो मेरे को नाम नहीं लेना, तो किसी को भी ऐसा प्लीज ऐड मत करो, प्लीज चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर में से क्यों ना, प्लीज ऐड मत करो, क्योंकि हर कोई भाई अपने अपनी नसीब का खा रहा है। और बैक कैमरा आप लोग नहीं देखते कि हम लोग कितनी चीजों को फेस करते, ठीक है। हम लोग बहुत चीज़ों को फेस करते हैं, पर कैमरा के सामने हम लोग हंस के दिखाते हैं। मैं रोती भी हूँ, मैं हर चीज़ करती हूँ, तो मैं बार बार जब रोती थी तो लोग बोलते थे शिरीन तुम सिर्फ रोती हो, शिरीन तुम सिर्फ रोती हो। तो मैं जब हंसती हूँ तो मेरे पीछे आके उंगली करते हैं, भाई क्यों क्यों करना आपको उंगली, ठीक है। फिर बाद में ना उसको दो तीन लोगों ने मेरे से रिप्लाई दिया कि भाई ऐसा क्यों बोल रही है ये वो करके, तो उससे फिर से कमेंट किया, मैं शिरीन ने ते को नहीं देते लगता है इसलिए इमोशनल लेके इमोशंस लेके आ गई है शिरीन, रियल आईडी से आ और को मत बोल कमेंट करने, माँ के पैसे बच्चे खाते हैं पर ये तो बहसा और बहसी है, ठीक है। तो उत्ते में मैंने रिप्लाई दिया, तो कैफ का भी रिप्लाई कैफ ने भी दिया, और मेरे को इतना दम है कि मेरे को अगर रिप्लाई देना ना मैं छूट मुंह पे रिप्लाई दूंगी, और मैं किसी को नहीं भेजती, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत ना अब है ना पहले थी। पहले भी मैं ना रियल आईडी से मारती थी सबकी, और अभी भी ना मैं मेरी आईडी, मैंने कमेंट नहीं चेक किया था, मैंने लेट नाइट, मैंने जैसे लास्ट व्लॉग वीडियो में बोला था कि मैंने लेट नाइट चेक किया था, जब मैंने कमेंट देखा मेरी दिमाग की पूरी हट चुकी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में कैफ ने भी रिप्लाई दिया है, बेटा हम कभी फेक आईडी का खेल नहीं खेलते, जो बोलना है रहता है डायरेक्ट रियल आईडी से बोलते हैं, वो कैफ ने रिप्लाई दिया। फिर उसके बाद में भी दैट वाज करके वो छोड़ देगी, वो सब फलाना नमकाना हुआ। फिर उसके बाद में मैंने रिप्लाई दिया उसको, मैंने जब कमेंट देखा, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ फेक आईडी से आके जी में उंगली करूँगी, ठीक है। किसी के पैसों पे जीना नहीं सीखी हूँ मैंने, इसलिए बुरी हूँ सबके लिए, जो चीज़ फैक्ट है। तो और किसी को जज करने से पहले हज़ार बार सोच लिया करो, जो कि चीज़ रियल है कि भाई मैं किसी के पैसे पे कभी नहीं उछली, मैंने कभी नहीं कहा। मेरे घर में अगर कोई मेरे को मेकअप भी करने आता था ना, या मेरे को पीआर करने आता था, तो मैं यही बोलती थी भाई मेरी माँ अपने लेवल पे, मैं अपने लेवल पे, ठीक है। मेरी माँ के पास बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों सारा वो है हमारा, पर हम ये नहीं बोलते कि भाई हमारा है तो हम होशियारी करेंगे, बाकियों की तरह नहीं करते हम, ठीक है। जो अपनी माओं के पैसों पे ऐश करते हैं, माओं के पैसों पे सोना लेके एक्टिंग करके बताते हैं कि यार हमने हमारी माँ को ये गिफ्ट किया वो गिफ्ट किया, वो चीज़ हम नहीं करते, हम रियल खेलते हैं, हम फेक नहीं खेलते। और जो चीज़ मैंने दी है ना, हाँ गोल्ड दिया है कहीं ना कहीं दिया, पर मैं वो बताऊंगी नहीं कि मैंने कब दिया कब नहीं दिया, क्या दिया और क्या नहीं दिया, क्योंकि मेरे को शो शाइनिंग नहीं करना। मैंने मेरी हैसियत के हिसाब से दिया था, बस बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये ठीक बात नहीं है शिरीन, तुमको जो खाना पीना होता है कैफ दिला देता है और खिला देता है, मगर जब वो उसके कुछ पीने और खाने को लेने की बात करता है तो आप उसके लेने देते नहीं। दिस इज नॉट डन, तो इस चीज़ का रिप्लाई दो। क्या बोलूँ मैं, मैंने आज तक कैफ को कभी कोई चीज़ के लिए खाने पीने से या कोई भी चीज़ हो, उसका अकाउंट है, उसका पैसा है, उसके पास कैश पड़ा रहता है, ऑनलाइन पड़ा रहता है, हर चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा रहता है, तो उसको जो खाना है वो खा सकता है, जिसको जो पीना है वो पी सकता है। बस चीज़ें ये है, ये जो क्या नाम है इसका, ये क्या बोलूँ ना, जरा नाम बोलूँ, करीम जी सैडी 3307। हाँ इसका क्या लॉजिक है मालूम, मैं तेको बताता हूँ, कभी आके अच्छे कमेंट्स हाँ, करती है इस इंसान का कैसा लॉजिक है मालूम है कि पूरा थ्रू आउट वीडियोस देखते हैं लोग, ठीक है।
थ्रू आउट वीडियोज देखने के बाद जो नेगेटिव पॉइंट हो गए ना उस पर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए ना उस पर पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं लोग। और इसने एक और कमेंट किया है, ये ना मेरे को कभी कभी अच्छे कमेंट करती है, मेरे को चल अच्छा लगता है, फिर ये ऐसा नेगेटिव प्ले रोल करती है ना, जैसे कि वो बोलते ना कोई सास अच्छी भी बनती है सामने और फिर उसके आते पीछे जाके वो अपना मैं पना दिखाती है, तो वो हकीकत में वो ही लग रही है एकदम टिपिकल। फिर एक और उसका कमेंट है, उसको किसी ने कमेंट किया, तुम डेफिनेटली दोनों में से किसी के खानदान की हो, बिलोंग करती हो आई थिंक कैफ के, ठीक है। तो मैंने आज तक कैफ के खानदान में से कभी किसी को मेरे रिलेटेड बुरा बोलते हुए मैंने देखा नहीं है, ना मैंने कभी सुना है, पीछे चाहे लोग कितना भी बोले होंगे मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो उसने एक और रिप्लाई वही इंसान को क्या के माने में, नो डियर, मैंने दो तीन बार व्लॉग में देखी हूँ इसलिए बोला है, बेहुदा लोगों को खानदान से मुझे कोई वास्ता नहीं। बेहुदा किसको बोला गया ये मेरे को ये लड़की औरत से पूछना है, अगर तुम्हारे में दम है तो प्लीज़ मेरे इंस्टा पे आके मैसेज करो कि मैं ये हूँ फलाना इंसान, मैं तुम्हारे आईडी पे चैनल पे आके ये चीज़ का कमेंट करती हूँ, ठीक है। और बेहुदा बोलने का हक किसी को नहीं है, ठीक है। फिर उसने एक और चीज़ बोल दिया कि देना पड़ता है क्योंकि इन नालायकों की वजह से इस्लाम में मजहब पर उंगलियाँ उठाई जा रही है। तो पहली बात तो ये नालायक तू होगी या तेरा खानदान होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को मेरे पे मत उतारना, मैं मेरे बहुत शांति में बहुत पोलाइटली आके मेरे यूट्यूब पे बहुत अच्छे से रहती हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस बच्चे देखा करते हैं इस वजह से, ठीक है। नालायक तो मैं नहीं हूँ, शायद तू होगी, और इस्लाम में अगर मजहब पे उंगलियाँ उठ रही है ना तो वो हमारे वजह से नहीं उठ रही, ठीक है। जो बाहर जाके अभी जाके ना कपड़े देखो लोगों के, सिर्फ हमको जो कमेंट्स कर रहे ना, जो हम वीडियो बनाते हैं, हम व्लॉग बनाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है हम लोग, कोई रिलेशनशिप में नहीं है, जो दीन इस्लाम की बातें करते हैं ना, जो जिनको तुम लोग इतना चाहते हो, जिनके वीडियोस आज तुमको पता चलेगा ना, जरा बांद्रा में कभी घूम लेना, तुमको पता चलेगा कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। जिनको तुम बोलते रहोगे अरे वाओ कितना अच्छा, वो सब चीज अपने बारे में बोलने का, एक सेकंड वो अरे वाओ कितना अच्छा वीडियो बना रहा है, अरे वाओ कितना अच्छा वीडियो बनाती है, तुमको मालूम है वो लोग पीछे क्या झक मारते हैं क्या नहीं, हाँ हम जानते हैं, पर हम कभी किसी की रियलिटी नहीं बताते क्यों। और बोला जाता कि भाई मैं किसी को पिन कर दिया, किसी को ये करती, जब कोई इंसान गलत होता है ना मैं उस इंसान को पिन करती हूँ, हम जो मैं हूँ, मैं जो मैं रियल में हूँ, मैं मेरे कैमरा के सामने भी वही हूँ, मैं फेक नहीं बनती। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, फिर बाद में पीछे जाके अरे उसकी माँ बहन का ना, तो वो चीज़ मेरी आदत नहीं है, ठीक है। तो नालायक तो तू होगी, और मजहब पे अगर उंगलियां उठ रही है तो तुम जैसों की वजह से उठ रही हो, और हमारे खानदान तक के तो कोई आने की सोचना भी नहीं। यस फिर वो गया, ये कमेंट भी तुम्हें ना डालना स्क्रीनशॉट, मैं डालूंगा, हाँ। स्क्रीनशॉट होगा, तो मैं किसी को एकदम हाईलाइट करना नहीं चाहती, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी हाईलाइट करना नहीं चाहती जिनकी कोई औकात ही नहीं है मेरे लाइफ में, ठीक है, जिनका कोई मकसद ही नहीं है मेरे लाइफ में। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, इतने ही थे, हाँ इतने ही, ऐसे तो देखा जाए तो बहुत है, बट ये जो क्या नाम बोले तुमने, करीम जी, हाँ करीम जी जो है मैडम हमारे, मैडम है सर है, हम आपको जानते नहीं, पर किसी को तुम जज कर रही हो ना तो पहले हजार बार सोचो फिर तुम जज करो, या तुम हमें एक काम करो, मैं आपको मेरा नंबर देती हूँ, मैं तो सर खुल्लम खुल्ला डाल नहीं सकती, अगर मैं खुल्लम खुल्ला डाल दी तो अल्लाह प्रेम करे कि मेरे को कितने चाहने वालों के फोन आ जाएंगे, मुझे खुद ही नहीं मालूम, ठीक है। तो अल्लाह ने इतनी इज्जत बना दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम लोग बोलते हैं ना कि हमने सोचा नहीं था। और भाई एक चीज़ मैं इसमें बोलूँगा, हम कोई अपने आप को सेलिब्रिटी समझते नहीं है, और हमको सेलिब्रिटी बनाओ भी मत तो वही अच्छा, हमको बस ये बनना है कि भाई हमारी जो डेली रूटीन है, हम जो करते हैं, जो चीज़ें दिखाते हैं, जो चीज़ बताते हैं, तो वो आप लोग भी देखो, तो आपको भी शायद कहीं ना कहीं, कोई कोई लोग होते हैं कि अभी जैसे टीवी कोई एडिक्ट नहीं होता, टीवी से कोई होता है मोबाइल से ही एडिक्ट ज़्यादा रहता, तो मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखते रहते, तो हम चाहते कि हम ऐसे हर एक घर में पहुंचे, चाहे हम कुछ हरकतें करें तो उनको वो चीज़ एक स्माइल है, हम वो चाहते कि हर एक कोने में जाके हम एक हर एक चेहरों पे एक स्माइल दे, बस ये चाहते हैं, बस ऐसे कुछ लोगों को प्लीज गाइस प्लीज आप लोग भी ये चीज़ पे बोलना मैं तो कि मैंने गलत बोला है या नहीं बोला, मैंने सही बोला, प्लीज आप लोग के सामने मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज ये चीज़ पे बोलना कि मैंने सही बोला या गलत बोला, क्योंकि मैं किसी के साथ भी, अगर मैं सिर्फ मैं मेरी बात नहीं करूँ कि मेरे ही पेज पे आके कमेंट मत करो, किसी के भी इस पे जाके कमेंट मत करो, जो इंसान इतना बड़ा बड़ा झोल कर देता है, ठीक है, किसी का पैसा लेके बैठता है, किसी की बोलते ना एक
जो इंसान हयात भी नहीं है उसका पैसा लेके बैठा हुआ है, उन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता। वो आज भी मस्त में नाच रहे, गा रहे, फिर रहे, घूम रहे, हाँ उमरा कर रहे, हज कर रहे, सब कुछ कर रहे, उन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता। और अब ये बात पे से लोग आके कमेंट करेंगे कि डायरेक्ट बोलो, तो एक चीज मैं बोलता हूँ, हमारे उसमें इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, हम मुंह पर भी बोल सकते हैं। यस, और हमने मुंह पर भी किया, लोग हमारे सामने से ऐसा हाथ जोड़ के, हम बताते नहीं, वीडियोस प्रूफ आज भी हमारे पास है, ऐसे हाथ जोड़ के इंसान जाते हैं हमारे सामने से, पर हम क्या बोलते हैं, अल्लाह देखेगा, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। आज यहाँ पर जितनी डील लिया है ना, एक ही टाइम पे वो डोर भी खींचेगा, ठीक है। मौत आनी हर किसी को है, ठीक है, सोना चांदी जेवरात पैसे शौहरत ये प्रॉपर्टियाँ कुछ नहीं आने वाली कब्र में, सिर्फ अपनी बोलते ना, अपनी वो जाने वाली, क्या बोलते क्या वो वर्ड को, क्या बोलते, सोच मेरे को वो, मैं चाह रहा हूँ सोचे तू थोड़ा, अरे मैं थोड़ा अटक जाती हूँ, अरे मैं चाहता हूँ तू सोचे, वो जाने चाहती अमल चाहते हैं, ठीक है, अपने अपने साथ अपन क्या करते हैं क्या नहीं करते। देखो कैमरा में दिखाना और बैक कैमरा में रहना बहुत डिफरेंट लाइफ होती है गाइस, मैं सीरियसली बोलूँ, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेल के यहाँ पहुँचे, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट थोड़ा प्यार, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, और ये सब तो प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मेरे आईडी पे आके इतना कुछ बोला जा रहा है। देखो गाइस, हम समझ सकते हैं नेगेटिविटी ना हर जगह है, बट एक चीज क्लियरली बोलेंगे कि घर वालों के बारे में, खानदान वालों के बारे में, या किसी के कास्ट के बारे में, कास्ट के बारे में, खानदान के बारे में भी ठीक है, बट मेरे को एक और चीज सबसे ज्यादा बुरी लगी जो ये है कि मजहब पे उंगली उठ रही है। तो मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे मजहब पे उंगली उठे, ठीक है, मैं तो ऐसे कोई कपड़े पहन के सोशल मीडिया पे नहीं आ रही हूँ कि मेरे मजहब पे उंगली उठेगी कि अरे देखो ये तो मुसलमान की बेटी और ये देखो कितने नंगे कपड़े पहन के घूम रही है। अच्छा है जो इंस्टाग्राम पे नंगापन हो रहा है वो अपन लोग नहीं करते, तो प्लीज गाइस थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, इंसान को मिलो, या फिर तुम उसको इंस्टाग्राम पर आके मैसेज करो, मेरी आईडी भी आप लोगों को पता है कि मेरी आईडी क्या है क्या नहीं। सो मैं एक और बार बता देती हूँ आप लोगों को, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, एक सेकंड ना गाइस, ये देखिए, ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी शिरीन शेख _143, उसको आकर आप डायरेक्ट मैसेज करो कि भाई मैं ये इंसान हूँ, मैंने आपके आईडी पे आके कमेंट किया है, तो आप मेरा क्या कर लोगे क्या नहीं कर लोगे, तो मैं भी बोल जाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, और मैं आप लोग के फेस टू फेस मिलना चाहूंगी, या फिर मेरे को आप कॉल पे बात करना चाहोगे तो कॉल पे बात करना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे एक बार फेस पे आके बोलो ये चीज जो मेरे कमेंट्स में बोली गई, और कुछ नहीं बस, और वीडियो यही खत्म होता है। और हाँ, बहुत लोग कमेंट करें कि पर्दा पर्दा पर्दा, उसका मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि भैया आप लोग ने वीडियो में भी देखा था, जब कैफ वीडियो निकाले थे तो भैया का फेस ऐसा था, कैफ ने नोटिस नहीं करे, भैया का फेस ऐसा था, भैया फेस छुपा रहे थे, तो मैं उनसे पहले परमिशन लूंगी, कल हम उनके पास वैसे भी जाने वाले है, क्योंकि जो हमने डोर के लिए, यहाँ के डोर के लिए जो पर्दा लाया है ना, नहीं जो डोर के लिए पर्दा लाया है ना हमने, तो उसका सीन कैसा हो गया मालूम है कि वो लेंथ वाइज ना छोटा पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह वो पर्दा कल हम जाके एक्सचेंज करवा के लंबे लेंथ का एक लेंगे, और भाई से हम उसी टाइम पे थोड़ा बात भी कर लेंगे कि भाई कैसे क्या करना है क्या नहीं। और वैसे भी वेनेसडे बाजार, बुध बाजार में, माहिम बुध बाजार में, माहिम में सेंट माइकल चर्च के पास बैठते है, वो लगाते ही है, तो मैं उनसे एक बार बात कर लूंगी, उनको बताऊंगी कि ऐसे ऐसे पब्लिक जो हमारे इतने चाहने वाले हैं, तो आपको भी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और आपके पर्दे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो अभी भी लगे हुए ही है, और माशाल्लाह से इतनी धूप आ रही है, सब आ रही है, तो ऐसा की बाहर देखो गाइस पूरा पसारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, हाँ, क्योंकि चूहे को भगाने के चक्कर में अभी कल पूरा ये भी सही करना है। मेरा ना सोच सोच के आधा दिमाग इस पे से खराब था, मैं सुबह उठी और उठ के मैंने बोला कैफ कि मेरे को ना कुछ नहीं बनाना आज व्लॉग में, मुझे बस इन चीजों का रिप्लाई देना है, क्योंकि मेरे को इतना बुरा लगा ये कमेंट देख के, तो उसकी कोई नहीं, ये करीम जी जो भी है यार, मेरे को एक बार छोड़ दे यार, जाने दे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार मेरे से आके मिलो, या फिर मेरे से फोन पर बात करो, मुझे अब से और कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं चलेगा गाइस। देखो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और बहुत सारे लोग माशाल्लाह कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड वी रियली डू अप्रिशिएट दैट, एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग हमें इतना प्यार कर रहे हो, वरना अभी लोग बोलेंगे कि यार
शिरीन दीदी हेटर्स के बारे में जाने दो, हम लोग भी तो प्यार कर रहे हैं हमारा, सुनो। तो गाइज हम हर कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, हर कमेंट्स पढ़ते हैं, हर कमेंट का कोशिश भी करते हैं। दीदी मेरा ना नेट से ना यूट्यूब नहीं चल रहा है, मैंने किसी का हॉटस्पॉट लेके मेरा वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नेट से यूट्यूब नहीं चल रहा है इस वजह से। और मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी यार, इतना प्यार इतना सपोर्ट है, पर यहाँ पर कुछ लोग है जो नहीं समझ पा रहे। बट एनी विच वेज मैं पहले बहुत ये सब चीजों के बारे में बोलता था, बट मैंने जब देखा कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं ना, तो फिर मैंने बोलना बंद कर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।